हेलो एवरीवन वेलकम टू जीन एकेडमी ऑनलाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास नाइन चैप्टर नंबर फाइव लाइफ आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में ठीक है सेल किसने डिस्कवर किया साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ओके दिस मैन हैज डिस्कवर्ड इस नेम इज robert hook okay this was a person who discovered the cell okay in the year 1665 robert examined the thin slice of a cork under under the self-designed microscope so he made the microscopes his self-designed microscopes okay he said that it look like a honeycomb structure consisting of many little compartments सो ही ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप्स उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा स्लाइस ऑफ कॉर्क ठीक है तो उन्हें किस तरह से दिखने लगा हानिकोम का स्ट्रक्चर इस तरह से इस तरह से उन्हें स्ट्रक्चर नजर आने लगा ठीक है इस तरह से ठीक है और उन्हें ये जो दिख रहा है उन्हें उन्होंने क्या बोला लिटिल कंपार्टमेंट्स लिटिल कंपार्टमेंट ठीक है तो लैटिन वर्ड इन लैटिन वर्ड सेल इज कॉल्ड लिटिल रूम तो उन्होंने जो कंपार्टमेंट लिटिल कंपार्टमेंट दिख रहा था उन्होंने एक नाम दे दिया क्या नाम दिया सेल दिस नेम ओके इंपॉर्टेंट इन लैटिन वर्ड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिटिल रूम ओके ठीक है छोटे छोटे रूम होते हैं उन्होंने उसका नाम सेल दे दिया ठीक है बट ये सेल जो छोटा सा यूनिट है या ऑर्गेनिज्म में छोटा सा रूम्स uh, है तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ठीक है सो अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ सेल ओके तो हर प्राणी हर जीव जंतु जो अर्थ पे प्रेजेंट है तो वो किस से बने हुए वो सेल से ही बने हुए हैं ठीक है सो so स्टूडेंट ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स है okay. है ओके ठीक ये वाटर लेंस दिस इज अ वाटर लेंस दिस यू सी एज अ फ्लेम दिस दिस वन इज फ्लेम ओके दिस इज अ ब्राइटली लिट स्पेसिमेंस सो रॉबोट ने क्या किया ये स्लाइस ऑफ अ कॉर्क इधर उन्होंने रख दिया ओके okay. और आई लीड से ही ऑब्जर्वड आई लीड ओके लाइक दिस स्ट्रक्चर हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिस इज अनीकोम स्ट्रक्चर ओके तो उन्होंने ये दिस आर कंपार्टमेंट स्मॉल 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 दिस इज कंपार्टमेंट एंड ही कॉल दिस कंपार्टमेंट एज अ वॉट इज कॉल्ड ही कॉल्ड एज अ सेल ओके सो दीज आर कंपार्टमेंट And inner you say inner in this in the compartment you can see the blackish that was that was nucleus. That was nucleus. Nucleus. Okay. So this was the specimen of the honeycomb structure. And after seeing this, Robert Hooke called that this is a cell, and after that, we are going to learn more about the cell. हम लोग देखने वाले हैं अभी एक्टिविटी वन सेल ऑफ अ ऑनियन और अ प्लांट पी तो इस एक्टिविटी करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा फर्स्ट फर्स्ट इज माइक्रोस्कोप्स माइक्रोस्कोप और सेकेंड जरूरत पड़ेगा ऑनियन पिल ऑनियन पिल ठीक है चलिए फिर शुरू करते हैं एक्टिविटी हमें एक माइक्रोस्कोप्स लेना है उसके अंदर हमें ऑनियन या प्लांट पिल को रखना है इस जगह पे ठीक है ओके तो हम लोग रख दिए और लीड से इसको हमें ढक देना है ठीक है उसके बाद हमें आई पी से ऑब्जर्व करना है तो आई पी से ऑब्जर्व करने के बाद पिल का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखने लगता है ठीक है इस तरह से हमें एक कंपार्टमेंट बहुत सारे कंपार्टमेंट सॉरी बहुत सारे कंपार्टमेंट ऐसे ऑब्जर्व करने को मिलता है हम लोग अपने नेकेड से देख नहीं सकते हमें माइक्रोस्कोप्स का जरूरत पड़ेगा तो इस तरह से कंपार्टमेंट्स हमें दिखते हैं ठीक है तो रॉबर्ट हुक ने यही बोला ना कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है उसे उन्होंने सेल नाम दिया ठीके? और उसके बाद क्या उन्हें इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे ब्लैक ब्लैक तो वो क्या है वो न्यूक्लियस है वो क्या है न्यूक्लियस है ओके okay. तो ये हुआ था एक्टिविटी वन तो हमें इस तरह से प्रूफ हो गया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो और सेल से ही बने होते हैं ठीक है चलिए, सेल द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक रॉबर्ट okay, तो हो डिस्कवर्ड दि सेल इन विच इयर दैट वॉज तो चलिए सेल डिस्कवर्ड होगा सेल डिस्कवर हो गया तो सेल के ऊपर भी और साइंटिस्ट आके रिसर्च किए तो वो साइंटिस्ट थे मिथेस शेलडेन इन दर ईयर 1838 में आए और उन्होंने अपना सेल के ऊपर थ्योरी रखा क्या थियरी था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल तो उन्होंने अपना थियोरी रखा जो भी प्लांट है वो सेल से बने होते हैं ठीक है फिर दूसरा साइंटिस्ट आते हैं शेजवान कौन से साल में 1839 में आते हैं उन्होंने अपना थियोरी क्या दिया ऑल एनिमल्स ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल ठीक है ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इन्होंने प्लांट बोला इन्होंने एनिमल बोला ठीक है फिर आते हैं 1855 में कौन रिडल्फ वर्चू आते हैं उनका अपना थ्योरी होता है कि ऑल न्यू सेल जो भी नए सेल आते हैं तो वो कहां से आते हैं वो बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं ओके okay. जो भी नए सेल्स आते हैं फॉर्मेशन होता है उनका तो वो ओल्ड सेल से ही फॉर्म होकर के आते हैं ये था रुडोल्फ वर्चू का थियोरी ठीक है वापस देखते हैं हम लोग मिथैशील्डिंग क्या बोलते हैं उनका थ्योरी क्या होता है उनका थ्योरी क्लियर होता है वो बोलते हैं कि ऑल प्लांट्स ऑल प्लट आर मेडअप ऑफ सेल ये क्या बोलते हैं ऑल एनिमल्स आर मेडअप ऑफ सेल और यह बोलते हैं कि ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम द ओल्ड सेल ऑल न्यू सेल कम्स फ्रॉम द ओल्ड सेल ठीक है तो इन सब तीनों का थियोरी सेल के ऊपर इस प्रकार के थे ठीक है चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है तो पहले हम लोग सेल का डेफिनेशन पढ़े और हमने देखा कि सेल कब डिस्कवर्ड हुआ और किसने डिस्कवर्ड किया वो पढ़े उसके बाद हम लोग ने एक छोटा सा एक्टिविटी किया ऑनियन या प्लांट पी को लिया और उससे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे तो उसमें हमें क्या दिखा अ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा उसे हम लोग सेल बोलते हैं और सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस दिखा जो कि डार्क डार्क कलर का था तो उसे हम लोग ने न्यूक्लियस बोला ठीक है उसके बाद देखे कि सेल डिस्कवरी हो गया उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने थियरी रखा जैसे कि मैथियस शेल्डन ने ये बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल उसके बाद शेजवान है उन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल उसके बाद रूडल्फ वर्चू आते हैं और वो बोलते हैं कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल ठीक है तो इधर देखते हैं हम लोग सेल थियरी के बारे में वापस पढ़ लेते हैं एक बार ठीक है तो क्या है पहला थियरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो भी जीव जंतु हैं वो किससे बने होते हैं वो सेल से बने होते हैं है. ये अंडरलाइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स में आते हैं ठीक है ना तो हम लोग को अगर बोल दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डैश तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेल से बने होते हैं ठीक है सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल क्या है बेसिक स्ट्रक्चरल है जिंदगी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सेल है क्या है सेल है सेल नहीं तो हम लोग नहीं ठीक है ऑल सेल कम फ्रॉम इट प्री एग्जिस्टिंग सेल जो भी नए सेल्स आते हैं वो ओल्ड सेल से ही आते हैं जैसे कि हम लोग का बॉन क्यों कैसे हुआ तो हम लोग भी हमारे पूर्वज आए थे उसके बाद ही हम लोग आए तो हम लोग भी ओल्ड जनरेशन से ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन का फॉर्म होता है उसी तरह से cell का भी यही होता है। वो ओल्ड सेल से ही न्यू सेल बनते हम लोग भी ओल्ड से ही न्यू बने हमारे दादा थे परदादा थे उसके बाद पापा आए उसके बाद फिर हम लोग आए ना तो ये हो जाता है सेल का भी सेम फॉलो होता है सेल जो ओल्ड सेल हो जाता है उसके बाद न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये थे तीन टेंट सेल थरी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना थियरी इस तरह से रखे थे ठीक है इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आप पूरा सेल के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर आपको डाउट है तो आप नो क्लियर लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर डाउट नहीं है तो आप क्लियर 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 मेंशन कर दे कमेंट बॉक्स में ठीक है तो अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ठीक है वॉट इज सेल तो हम लोग ने पहले भी डेफिनेशन पढ़े हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है क्लियर है सबको बच्चे लोग क्लियर हैं तो सेल क्या है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ठीक है तो उसके बाद क्या है एवरी सिंगल सेल परफॉर्म बेसिक फंक्शन तो हर एक सेल का कुछ काम है ना काम है ना भैया तो काम क्या है फंक्शन लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस डाइजेशन ऑब्जर्बेशन तो हर एक सेल यही काम करेगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा डाइजेशन करेगा ऑब्जर्ब करेगा एक्सेट्रा जैसे कि हमारी बॉडी है तो हर बॉडी की अपने अपना काम कैरी आउट करते हैं जैसे कि स्टमक है स्टमक का क्या काम है डाइजेशन करना इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है है ना और लीवर है किडनीज है हार्ट है लंग्स है तो इनके भी कुछ काम होते वो काम परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते ना स्टूडेंट क्लियर है ठीक है ना तो इस तरह से हम लोग सेल पहले ये रखना है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्लियर होना चाहिए उसके बाद सेकंड क्या है एवरी सिंगल सेल परफॉर्म बेसिक फंक्शन उनका बेसिक काम क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज है डाइजेशन करना काम है और एब्जॉर्बन का काम है जो उनको रेगुलर बेसिस पे वो करते रहते हैं ठीक है तो सेल के अंदर सेल जो है उनका तीन बेसिक पार्ट होते हैं ठीक है ये एक सेल है आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे ये एक सेल है तो उनका तीन बेसिक पार्ट है तो पहले क्या है साइटोप्लाज्म है ठीक है ये जो पूरा ब्लैंक पूरा ये सेल है ठीक है सेल के अंदर आप खाली जगह देख रहे हैं तो उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं ठीक है और ये जो आप ये इस तरह से देख रहे हैं ये क्या है न्यूक्लियस है जिसे हम लोग हार्ट ऑफ सेल भी बोलते हैं न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कमांड करता है और कंट्रोल करता है ठीक है।, है ये है, उसके जो सेल मेम्ब्रेन ठीक है ओके okay, तो तीन पार्ट था पहला साइटोप्लाज्म जो कि इनर पार्ट ऑफ ये है सेल है उसके बाद न्यूक्लियस जो कि हार्ट ऑफ दी या मेन कंट्रोल ऑफ सेल है ठीक है और सेल मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट है ठीक है ये तीन बेसिक पार्ट है अपने सेल्स के जो कि हमें याद रखने हैं ठीक है तो रिवाइज करते हैं वापस से व्हाट इज अ सेल तो सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड क्या है एवरी सिंगल सेल जो भी सेल है वो अपने अपने टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस डाइजेशन ऑब्जर्वशन एक्सेट्रा ठीक है अब सेल के तीन मेन पार्ट्स हैं तो पहले कौन से हैं? न्यूक्लियस है, है साइटोप्लाज्म है और सेल से, सबको क्लियर है बच्चे लोग ठीक है ये है क्लियर रखना है जो भी चीज है ना वो हमें क्लियर रखना है हमें कुछ अब डाउट है तो आप मुझे आप कमेंट कर दीजिए अगर डाउट नहीं है तो क्लियर 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 लिख दीजिए ठीक है तो ये ये था बेसिक सेल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है इसके पहले हम लोग पढ़े थे थ्री मेन पार्ट ऑफ सेल ओके तो फर्स्ट पार्ट था न्यूक्लियस ठीक है सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम दट इज इंटरनल पार्ट ऑफ सेल थर्ड पार्ट थे सेल मेम्ब्रेन दट इज आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल सेल मेमरेन ओके ठीक है तो हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं तो पहले है रेड ब्लड सेल ये क्या है रेड ब्लड सेल तो इसके अंदर क्या है सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल पाए जाएंगे वो सिर्फ रेड ब्लड सेल्स होते हैं ठीक है उसके बाद कॉलिमिनार इपिथिलियल सेल्स ये स्किन रिलेटेड सेल्स है ये है ओवम सेल्स बेसिकली ये फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं इसमें फीमेल बॉडी में इस प्रकार के सेल ओके okay. है स्मूथ मसल सेल्स ये मसल सेल्स में मसल्स में पाए जाते हैं ठीक है ये है बोन बोन में पाए जाते हैं ये नर्व सेल्स नर्व्स में हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो नर्व है ना नर्व नर्व सेल और ये है सेल जो कि सिर्फ मेल बॉडी में पाए जाते हैं ठीक है ओके okay. तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी ठीक है अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द नंबर ऑफ सेल्स अब ऑर्गेनिज्म के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ठीक है तो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ठीक है सेकेंड है मल्टी सेलूलर ऑर्गेजम ठीक है तो फर्स्ट यूनिसेलुलर तो यूनी मींस क्या होता है यूनी मींस सिंगल ओके सिर्फ इतना ही को हम लोग सिंगल बोलेंगे ठीक है सेलुलर सेल ओके सेल ऑर्गेनिज्म मतलब वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म इज़ वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म ठीक है इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म ऑल फंक्शन तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जो कि हर फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन इट डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सेट्रा ठीक है तो ये एक सेल वाला ऑर्गेनिजम्स है जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करते पहला ग्रोथ रिप्रोडक्शन ईट डाइजेशन एक्सेट्रा ठीक है इनका क्या रहता है लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है इनके जो लाइफ स्पैन क्या होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अमीबा बैक्टीरिया पेरीमिशियम ये इस तरह से इनके सेल्स होते हैं ठीक है ये पेरिमीशियम बैक्टीरिया ठीक है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके लाइफ्स बहुत कम होते हैं ठीक है इनके लाइफ्स क्या होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं ठीक है तो ये इनका बेसिक फंक्शन क्या है इनका ग्रोथ काम रिप्रोडक्शन का काम और और खाना खाना डाइजेशन एक्सेट्रा इनका काम होते हैं ठीक है ये भी क्या होते हैं ये भी न्यू सेल का फॉर्मेशन इनका भी सेल डिवीजन होता है ठीक है ये ओल्ड सेल से ओल्ड सेल से न्यू सेल का ग्रोथ देखने को इधर मिलता है है ठीक तो समझ गए पहला क्या होता है यूनिसेल मींस वन सेल मतलब जिनका सेल एक ही है ठीक है उनका काम क्या है उनका बेसिकली फंक्शंस ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है ईट डाइजेशन एक्सेट्रा उनका भी काम होता है उनका लाइफ स्पेन कैसा है तो बहुत कम है या शॉर्ट है बोल सकते हैं और एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम लोग अमीबा लेंगे बैक्टीरिया लेंगे पैरिशियम लेंगे तो ये सब सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ठीक है अभी मल्टी सेलुलर इनका नाम में ही हमें क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि ये मल्टी सेल मतलब एक एक से ज़्यादा होने वाले सेल्स ठीक है जो कि दो तीन चार पाँच ऐसे इसको क्या बोलते हैं मल्टी बोलते हैं जो एक से अधिक हो उसे हम लोग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे इसीलिए हमें इधर मल्टी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इट इज मेड ऑफ ऑफ मल्टीपल सेल ठीक है ये मल्टीपल सेल से बने होते हैं सो ईच सेल परफॉर्म ओन स्पेसिफिक फंक्शन जो भी सेल का जो भी सेल है वो अपना खुद का एक स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस करते हैं क्या करते हैं फंक्शंस करते हैं चाहे एक सेल हो दो सेल तीन सेल चार सेल पांच सेल सब सेल्स का क्या है कुछ ना कुछ काम है तो अपना काम करते हैं ठीक है स्पेसिफिक फंक्शंस है वो स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं ठीक है जैसे उनका भी काम होता है ग्रोथ रिप्रोडक्शन डाइजेशन रेस्पिरेशन है ना तो उनका भी काम ये सब फंक्शंस है जो कि हर एक सेल करता है ठीक है लाइफ स्पेन इज मोर वहां क्या था लाइफ स्पेन यूनिसेलर में क्या था लाइफ स्पेन छोटा था कम था शॉर्ट था ठीक है इसमें क्या होगा लाइफ वन इज मोर देन द यूनिसेलुलर तो ऑफकोर्स ये मल्टी सेलुलर है इनकी लाइफ ज्यादा होगी ठीक है क्लियर स्टूडेंट आप क्लियर 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 कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिए तो मुझे समझ आएगा आप लोग को क्लियर है कुछ डाउट नहीं अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए उसमें मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोग का ठीक है एग्जाम्पल लेंगे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल तो इनके सेल्स क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं

बहुत सेल से बने हुए तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं इनको मल्टी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ये देख लिए हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा देख लिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसी को डाउट है तो आप प्लीज मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग टाइप्स ऑफ सेल देर इज अ टू टाइप्स ऑफ सेल ये नोट कर लो देर इज अ टू टाइप ऑफ सेल ठीक है पहला सेल है प्रोकैरियोटिक सेल दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स ओके, प्रोकैरियोटिक, याद रखना है ओल्ड सेल ओके दिस इज ओल्ड सेल ओके यूकैरियोटिक, क्लियरली याद रखना है न्यू सेल न्यू सेल ओके इनका साइज क्या है वन से टेन माइक्रोमीटर में दैट मींस, स्मॉल है इनका यूकेरियोटिक का जो साइज है सेल का वो फाइव टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन साइज है इसे क्लियर हो रहा है कि लार्ज है तो इधर मैं लिख देता हूं लार्ज ठीक है लार्ज और ये स्मॉल ठीक है न्यूक्लियस अनडिफाइंड है इधर वेल डिफाइंड है ठीक है नॉट सराउंडेड बाय द आउटर मेम्ब्रेन इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता ठीक है Eukaryotic में ठीक इनका membranes होते हैं जैसे कि ये सेल है तो इनका मेम्ब्रेन है ये nucleus है, mitochondria है और भी अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इनका सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें सेल सेल मेंस आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं ठीक है सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट तो यहां सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं मोर देन सिंगल क्रोम यहां अनगिनत क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल से ज्यादा इस तरह से क्रोमोसोम्स है ना मगर इधर इस तरफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं उनमें एक रहते हैं सिंगल प्रेजेंट होते हैं इसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ठीक है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल यहां जो मेम्ब्रेन बॉन्ड Organals होते हैं, वो एबसेंट होते हैं वो भी फॉर एग्जाम्पल प्रोक एग्जाम्पल याद रखना है बैक्टीरिया होता है अमीबा होता है पेरमिशियम होता है ये चीज याद रखना है ठीक है और का यूक्रेटिक्पल है प्लांट सेल है और एनिमल सेल है ठीक है ये स्पष्ट है आप लोग को समझ गया स्टूडेंट प्रो और यू होता क्या है ये आप सिर्फ एग्जाम में ये पॉइंट्स लिख देंगे ना तो आपको ईजिली समझ जाएगा और ईजी है पहला क्या उनका साइज स्मॉल है इस तरफ यूकेरियोटिक में साइज लार्ज है इनके न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होते हैं ज्यादा इनके वेल well डिफाइंड होते हैं इनके आउटर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है यहाँ एक क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्ड बाय ऑर्गेनल प्रेजेंट्स होते हैं एक्साम्पल बैक्टीरिया एमिबा पेरमिशियम है यहाँ सेल एनिमल सेल्स है क्लियर है आप लोग को तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर 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 मेंशन कर दीजिए ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है स्मॉल होते हैं और यूकेटिक का साइज लार्ज लार्ज होते हैं ठीक है इनके न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होते हैं नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस ओके न्यूक्स डिफाइंड नहीं होते यहां डिफाइंड होते हैं डिफाइंड होते हैं, Haan, defined होते हैं। ठीक है समझा इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं इनमें मेम्ब्रेन नहीं होता जो ये है इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता मगर यूकेरटिक सेल में मेम्बर होते हैं प्लाज्मा मेम्बर प्रेजेंट होते हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं ठीक है ये क्लियर हो गया ये है बैक्टीरिया का डायग्राम दिस इज बैक्टीरिया ठीक है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है इनके जो सेल मेम्रेंस है वो भी नहीं होते हैं ठीक है और क्या है यूक्रियोटिक इस सेल्स में इनका जो सेल है पूरा वेल डिफाइंड होते है। ये है यू प्रोक्रियोटिक में उनका सेल डिफाइंड नहीं होते हैं मतलब न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होते हैं ये याद रखना है ठीक है ना ये था प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक का डायग्राम समझने के लिए आप लोगों को क्लियर ठीक है ना अब हम शुरू करने वाले हैं यू क्रियोटिक सेल्स के साथ ठीक है यह है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का डायग्राम दिया हुआ तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में दोनों में न्यूक्लियस होते हैं ठीक है न्यूक्लियस पोर होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं न्यूक्लियस होते हैं क्रोमोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स है वैक्यूल सिर्फ प्लांट

क्रोमोप्लास्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लास्टिड्स होते हैं ठीक है ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट्स होते हैं एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं ठीक है एनिमल सेल्स में राइबोसोम सेंट्रॉल्स माइ माइक्रोट्यूबलिस साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ये सब प्रेजेंट्स होते हैं ये हो गए यू टाइप्स के एग्जाम्पल जो कि प्लांट सेल्स होते हैं एक तरफ एनिमल सेल्स होते हैं इनके ये जो सब दिख रहे हैं ये सब क्या है ऑर्गेनल्स है चाहे वैक्यूल्स हो न्यूक्लियस हो सेल मेम्ब्रेन्स हो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो क्रोमोटीन हो प्लास्टिड्स हो ये सब क्या बोलते हैं प्लास्टिक्स इन्हें हमें बोलते हैं ठीक है इन लोग का भी कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि परफॉर्म करते हैं ठीक है अगर सेल है तो हम लोग हैं आज ठीक है तो आगे के जो वीडियोज आने वाले हैं वो यूकेरिक सेल्स के ऊपर रहेंगे हम लोग उसके अंदर पूरा डिटेल में हम लोग प्लांट सेल एनिमल्स के हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे ठीक है तो आज तक के के इतना ही आगे की में में हम लोग पूरा के बारे में, डिटेल में पढ़ने वाले हैं थैंक यू सो मच एवरीवन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और देखते रहिए जैनित अकेडमी ऑनलाइन